मेरा बोला है भंडारी, तेरा नाम जपी जो दुख हारी, सबके दुख करे मेरे दूर भोलेनाथ जी, ओ मेरे भोलेनाथ जी, ओ मेरे भोलेनाथ जी। ओम नमो भगवती रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम रवि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है, उस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होती है। भगवान भोलेनाथ हर भव सागर से ही उस व्यक्ति को पार लगाते हैं। ऐसे में व्रत करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए व्रत की कथा का श्रवण करना भी उतना ही आवश्यक है। व्रत की कथा को किस प्रकार सुना जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूर्ण नियमों के अनुसार यदि आप व्रत पूर्ण करते हैं, व्रत के नियमों का ध्यान करते हुए अपनी सारी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं जो आपकी पूर्ण ना हो सकती हो। आइए हम जानेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा क्या है और कौन सी विधियों के द्वारा हमें ये कथा का श्रवण करना चाहिए। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे और उसके बाद कथा आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ओम नमो भगवते रुद्राय। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निःसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ रोटियाँ दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि हे साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास जा पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी के आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कथा राजा को कह सुनाई। राजा सारा वृत्तांत सुनकर अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत और चिंतित थे। राजा उन्हें भयभीत देखकर समझ गया और कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस प्रकार से ब्राह्मण आनंद से इस लोक में रहने लगा। भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव की दया से उस ब्राह्मण की सारी दरिद्रता दूर हो गई। ब्राह्मण के दिन फिर गए। सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस व्यक्ति को
स्वस्थ और निरोगी काया तो प्राप्त होती है, साथ ही उत्तम और सभी सुखों को भी वो भोगता है। मृत्यु के बाद वो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रदोष का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। शिव शंभु मेरे कितने प्यारे, मेरी दुख दूर करो। मैं दीन दुखी दुखियाला, तुम्हें कितनी बार पुकारूं। शिव शंभु को कितनी बार मन से तुम याद करो। भव सागर भव बंधन से शिव शंभु पार लगाएंगे। इस लोक के साथ पर लोक भी सुख को पाएंगे। शिव शंभु को याद करो, नित्य उनका ध्यान करो। हर नाम में उनकी माला जपो, हर सांस में उनका ध्यान करो। दोस्तों, जब भी आप व्रत की कथा को सुनना आरंभ करें तो सबसे पहले किसी न किसी आसन का होना अति आवश्यक है। आसन की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद अपने हाथों में चावल या फिर फूल या फिर आप गेहूं के कुछ दाने या जौ के कुछ दाने जरूर रखें। इसके बाद आप अपने सर को भी जरूर ढक कर रखें। पूरी कथा के श्रवण करने तक आपके सर पर हमेशा आंचल या फिर दुपट्टा जरूर होना चाहिए। कथा श्रवण के बाद आपने अपने हाथों में जो चावल या अक्षत या पुष्प जो भी आपने रखा है उसे भगवान भोलेनाथ के समीप छोड़ देना चाहिए और हर गलती हर भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।